चंडीगढ़ 2 जून दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 में रविवार को हुए महासचिव पद के लिए चुनाव में संत कुमार जैन ने 339 वोट लेकर जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी राज बहादुर को 170 मतों से शिकस्त देकर विजय प्राप्त की है। उनके प्रतिद्वंदी राज बहादुर को 162 मत पड़े, जबकि कुल 515 मतों में 14 मत इनवैलिड घोषित किए गए। इसी प्रकार ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल कुमार जैन ने 314 मत लेकर जीत दर्ज की। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी संदीप कुमार को 143 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। इसी प्रकार ज्वाइंट सेक्रेटरी ने 515 मतों में से 30 मत अवैध घोषित किए। संदीप कुमार को 171 मतों पर संतुष्टि करनी पड़ी। चुनाव संपन्न होने के बाद नवनियुक्त प्रधान धर्म बहादुर जैन व चुनाव समिति के संयोजक कैलाश चंद जैन ने सभी मतदाताओं व समस्त जैन समाज का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि नवनियुक्त टीम समाज की भलाई के लिए कार्य करेगी व समाज के सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चलेगी। चलिए देखते हैं चुनाव समिति के संयोजक कैलाश चंद जैन ने क्या कहा। जो आपने आज विजय हासिल किए जी दिगंबर जैन में, क्या आपके भविष्य में क्या आपकी योजनाएं रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिगंबर जैन समाज को, पूरे समाज को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यार से और बिना किसी विघ्न के आज का चुनाव संपन्न हुआ। हमारा दिगंबर जैन समाज एक है, एक था, एक ही रहेगा। किसी तरह का कोई फूट हमारे आपस में नहीं है। ये एक फ्रेंडली मैच था जिसको आज संपन्न किया गया। हमारे दिगंबर जैन समाज के संविधान के अनुसार 7 पोस्टों पर प्रधान, उप प्रधान, कैशियर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी 1, ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 और ज्वाइंट कैशियर, 7 पोस्टों पर इलेक्शन होता है, जिसमें से 5 पोस्टें प्रधान के लिए श्री धर्म बहादुर जैन, वाइस प्रधान के लिए श्री दामोदर दास जैन, जनरल सेक्रेटरी के लिए आज इलेक्शन हुआ है और कैशियर के लिए श्री अजय कुमार जैन पंचकुला वाले, ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 के लिए श्री रविंदर जैन और ज्वाइंट कैशियर के लिए श्री इंद्रमल जैन को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया था। आज हुए चुनाव में महासचिव पद के लिए श्री संत कुमार जैन को चुना गया है और ज्वाइंट सेक्रेटरी 1 के लिए श्री अनिल कुमार जैन को आज चुना गया है वोटों के माध्यम से। कुल 515 वोटें पड़ी, जिनमें से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी के जो वो उम्मीदवार थे उनको 369 वोटें पड़ी हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी 1 के जो कैंडिडेट थे उनको 314 वोटें पड़ी हैं। बहुत ही अच्छे, मैं जहां इन लोगों को बधाई देता हूं, वहीं मैं अपने जो चुनाव कराने वाले अधिकारी हैं श्री रवि कुमार डोंगारवरकर जी, श्री ML जैन साहब और श्री संदीप सिंघई, उनका भी बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न कराया। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट आज इस चुनाव में हारे हैं, हारे नहीं मैं कहता, जिन चुनावों में जिनको लोगों ने ये माना है कि उनको नहीं चुन के इनको चुना है, श्री राजा बहादुर जी को और संदीप जी को, उन दोनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा माहौल समाज में बना रहेगा और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरे समाज को साथ लेके चलेगी और समाज में सौहार्द का माहौल बना रहेगा। हमारी प्रथम जो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी, समाज को एकजुट होकर एक सूत्र में पिरोकर सबको साथ लेकर चलना हमारे काम है। प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।